दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि राजकुमार राव की फिल्म हिट द फाइनल केस को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। और भाई इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जैसा रिस्पांस मिला है ना उसको देखने के बाद, तो भैया ऐसा लग रहा है कि भाई इस फिल्म का सिनेमाघरवा में आने से पहले ही ना सिनेमाघरवा में हिट मार दिया गया था, जिसके वजह से ना तो सिनेमा घर में कॉकरोच नजर आ रहे और ना ही ऑडियंस, यानी कि भैया इस फिल्म से ये दोनों ही काफी खफा हो गए हैं। और भाई इस फिल्म को इसी वजह से पहले दिन बहुत खराब रिस्पांस मिला है कमाई के मामले में। तो भैया पहले दिन इस फिल्म को कितने का कलेक्शन मिला है, चलिए हम आपको बताते हैं इस छोटे से रिपोर्टवा के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों हिट जब सिनेमा घर में आ रही थी तो भैया इस फिल्म को लेकर एक बात तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि भाई इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, यानी कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बेहाल करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन के डब वाले वर्जन को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करके, और भाई एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि भैया जैसे ही इस फिल्म की सिनेमाघर में एंट्री होती है कि भैया यूट्यूब से वो डब वर्जन जो है ना हिंदी वाला वो गायब हो जाता है मेरे भाई। यानी कि कल जब मैं इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डब वर्जन को खोज रहा था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो भैया वो मुझे कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई इस फिल्म का जो डब वर्जन है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जा चुका है। तो भाई मैंने बोला हाँ ऐसा तो हुआ है, और मैंने तो यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के हिंदी वाले डब वर्जन को देखा था। और भाई उन लोगों ने फिर मुझसे कहा कि नहीं भैया वो तो गायब हो चुका है। तो भैया कैसे गायब हुआ है, कहीं फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए तो गायब नहीं ना किया गया, या फिर नीचे से मिल गया है कि भैया जब तक ये फिल्म सिनेमा घर पर रिलीज हो रही है तब तक उसको हटा लो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाइए और इसके हिंदी वाले वर्जन को खोजिए, तो भैया जिस चैनल पर इसको लॉन्च किया गया था ना वो वहां से विलुप्त हो चुका है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड समझौता हो गया होगा, आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को। तो भैया चलिए उस तरफ से हम लोग हटते हैं और आते हैं इस फिल्म के बजट पे। तो भाई इस फिल्म का जो टोटल बजट बताया जा रहा है वो लगभग 35 करोड़ का है, यानी कि इस फिल्म का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 15 करोड़ का है, और उसके बाद इस फिल्म के प्रिंट और एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा किया गया है वो आंकड़ा 8 करोड़ का है, और भाई बजट 35 करोड़ का बताया जा रहा है। वैसे तो अगर इस आंकड़े को अगर हम लोग जोड़ते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रिंट और एडवर्टाइजमेंट वाले कॉस्ट को, तो भैया वो तो 23 करोड़ का होता है, लेकिन 35 करोड़ क्यों बताया जा रहा है इसको लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है। और वैसे अगर हम लोग बात करें भैया कि इस फिल्म के स्टार कास्ट को कितना पैसा मिला है, तो भैया राजकुमार राव को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि भैया इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को 10 करोड़ रुपए मिले हैं और सानिया मल्होत्रा को भैया इस फिल्म के लिए 2 करोड़ मिले हैं, यानी कि भैया इतना बजट इस फिल्म का है ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया स्क्रीन काउंट की, तो भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया में 2000 स्क्रीन मिले थे, यानी भैया 2000 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया, यानी कि भैया अच्छा खासा स्क्रीन इस फिल्म को मिला है। लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म को देखने के लिए कितने लोग आए, तो भैया वो आंकड़ा समझ सकते हो आप इस फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से, यानी कि भैया इस फिल्म को पहले दिन 1,35,00,000 रुपीज का ही बिजनेस मिला है। तो भैया आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म अपना 35 करोड़ वाला बजट का है या फिर 23 करोड़ वाला बजट निकाल पाएगी का, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।